जी तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ कंप्यूटर एलईडी स्क्रीन्स के होलसेलर के पास, जिसके पास आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, जिसमें गेमिंग एलसीडीज हो गई, कंप्यूटर एलसीडीज हो गई, ऑफिस के लिए एलसीडीज हो गई, या कैजुअल यूज के लिए, क्रिएटिविटी, एनीथिंग, किसी भी टाइप की एलईडी आपको चाहिए, ऐसे होलसेलर के पास मैं मौजूद हूँ, जिसके पास आपको सब कुछ मिलेगा। तो अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो मेरे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ रीगल ट्रेड स्क्वायर के अंदर, जो कि शॉप मौजूद है सदर के अंदर, और एलईडी स्क्रीन के हवाले से हम मौजूद हैं। जैसे कि आप लोगों के कुछ कमेंट्स के ज़रिए मुझे मालूम पता चला था कि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं एलईडी के हवाले से, तो आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे होलसेलर के पास जो कि एलईडी के वैरायटी के अंदर डील करते हैं, और मौजूद हैं हमारे साथ फैज़ान भाई, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम अपने फैजान भाई से पूछेंगे कि उनके पास कौन सी चीज़ कितने रेट्स के अंदर मौजूद है। तो वीडियो को अब हम ज़्यादा लंबा नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं। जी फैजान भाई, तो आज हमारे व्यूअर्स को हम आपके पास दिखाने के लिए लाए हैं एलईडी स्क्रीन की वैरायटी, तो आज क्या दिखाना पसंद करेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? अपने व्यूअर्स के लिए नॉर्मल रेंज के अंदर एलईडीज दिखाने वाला हूँ गेमिंग के हवाले से। तो जैसे आप ये देख सकते हैं 22 इंच की एलईडी है, 2021 मॉडल, ये देखिएगा 2021 मॉडल की एलईडी है, डेल की ई सीरीज मॉडल है। अच्छा, तो मैं आपको पीछे से भी बैक से भी दिखाता हूँ, ये देखें इसका बैक पूरा इसमें। अच्छा, डीपी पोर्ट का भी ऑप्शन है इसमें, जो ग्राफिक्स गेमिंग में चलता है ना, जी ऑप्शन, वो भी ऑप्शन है इसके अंदर। देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर डीपी पोर्ट भी मौजूद है और इसके अंदर ये वीजीए की पोर्ट भी मौजूद है, और ये देखें इसका ये मॉडल नंबर है, 2021 मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, ये देखें आप व्यूअर्स, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग मॉडल यहाँ पर लिखा हुआ है 2021, क्योंकि ये 2021 का मॉडल है डेल के अंदर। कितने इंचेस की है ये फैजान भाई? 22 इंचेस की है। 22 इंचेस की है, और इसका रिफ्रेश रेट कितना है? रिफ्रेश रेट इसका बेसिक जो रिकमेंडेड पे आता है वो 60 आता है, तो हम इसमें ओवर क्लॉकिंग करते हैं गेमिंग के हवाले से तो 75 पे चली जाती है। 75 पे चल जाती है, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं व्यूअर्स आपके सामने है, और इसके प्राइस क्या होंगे फैजान भाई? इसके प्राइस आपको मिल जाएंगे 8500। 8500 इसके प्राइस हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो देख सकते हैं आप 8500 प्राइस आपको मिल जाएंगे इसके, और 22 इंचेस की एलसीडी है ये आपके सामने, डेल की 2021 का मॉडल। अच्छा फैजान भाई, इसकी रेजोल्यूशन क्या है ये तो बता दें। इसकी रेजोल्यूशन भी सेम वही है जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें गेमिंग कर सकते हैं। इसकी भी रेजोल्यूशन 1080 पर है, फुल एचडी रेजोल्यूशन, मतलब 1080p 1080p पर है, 1920x1080। जी जी सेम। ओके व्यूअर्स, ये गेमिंग और आईपीएस पैनल के अंदर है। अगर कोई आईपीएस नहीं होगा तो वो उसके अंदर हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलें फैजान भाई की अब नेक्स्ट वैरायटी की तरफ चलते हैं। जी फैजान भाई, मैंने आपको एक पीस दिखाया 2021 का मॉडल, अब इससे भी हम लोअर पे आ जाते हैं रेंज के अंदर। जैसे हमारे पास ये पड़ी हुई है एलईडी 22 इंच की एलईडी में 1080p पर, ये भी 1080p पे वीजे डीवीआई ऑप्शन है इसके अंदर, जिससे हमारे पास ये मिल जाएगी, ये देखें। अच्छा, ये देख सकते हैं व्यूअर्स, दोनों ऑप्शन है, और वीजे और डीवीआई का इसके अंदर ऑप्शन है। व्यू सोनिक की एलईडी है ये, व्यू सोनिक की, और कितने इंचेस की है फैजान भाई? 22 इंचेस है, और इसी के अंदर हमारे पास बहुत सारे ब्रांड है, जैसे कि हमें ये मैंने आपको ये दिखाया, यही सेम क्वालिटी के अंदर आपको मेरे पास ये सैमसंग मिल जाएगा। अच्छा, सैमसंग के अंदर भी यही मिल जाएगी, रेजोल्यूशन दोनों की सेम है, दोनों की रिफ्रेश रेट भी दोनों के सेम है, पैनल भी दोनों का सेम है, और इसके अंदर मेरे पास और भी हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए आपके सारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं आपको, जो जो फैजान भाई के पास इस क्वालिटी के अंदर वैरायटी मौजूद है, ये आपको सब आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। जी, जैसे इसमें मेरे पास मिल गया आपको एचपी पड़ा हुआ है, मेरे पास सैमसंग है, व्यूसोनिक है, एलजी है, और भी बहुत सारे मॉडल मेरे पास पड़े हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिससे आपको सारे मिल जाएंगे मेरे पास 22 इंच के अंदर रिजनेबल रेट के अंदर। सबसे जो हमारी अच्छी गेमिंग है बेसिक गेमिंग के ऊपर TN पैनल LEDs हैं। अच्छा फैजान भाई, इसके रेट्स क्या मिलेंगे हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइएगा? हमारे व्यूअर्स के लिए इसके रेट मिल जाएंगे 6500, मतलब कि 6500 रुपये की बहुत मिनिमम रेट पे 1080p के अंदर एलईडी 22 इंच की एलईडी 6500 रुपये की मिल जाएगी। अच्छा फैजान भाई, एक बात मुझे और बताइएगा प्लीज़, हमारे व्यूअर्स को अगर कोई ये सवाल करता है कि इसके नीचे जो स्टैंड लगा हुआ है,
कोई, क्योंकि गेमर आजकल हजरात जो हैं वो एलसीडी का स्टैंड चेंज कर देते हैं, क्या इसका स्टैंड चेंज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है इसका स्टैंड चेंज, ये जैसे दीवार पे भी लग सकती है आपके लिए, अगर आपको दीवार पे लगानी चाहिए या दूसरा कोई स्टैंड आपको पसंद आता है वो लगवाना चाहें तो वो भी लग सकता है। चलें ठीक है। अच्छा फैजान भाई, इसके बाद क्या दिखाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को? अब मैं दिखाऊंगा 24 इंच में बॉर्डर वाले पीस, जिसके हमारे पास रिजनेबल प्राइस में बॉर्डर वाली पीस के एलईडियां जो हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको भी वो दिखाऊंगा। जैसे ये हमारे पास टीएन पैनल के अंदर एलईडी है, ठीक है, ये हमारे मतलब प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हमारी ये यूजेबल है, जैसे हम ऑफिस वर्किंग हो गया और हमें गेमिंग पे भी ये काम आएगी, अच्छे गेमिंग पे भी हम इसको अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसका 60 हर्ट्ज़ में पीस है, 1080 फुल एचडी के अंदर, 1080p के अंदर एलईडी है। जैसे कि हमारे पास इसका पीछे से बैक भी दिखाइएगा जरा फैजान भाई, इसका बैक देखिएगा। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप पीछे से बिल्कुल साफ सुथरी एलईडी है, और इसका पोर्ट्स भी दिखा दीजिएगा फैजान भाई। सर वही पोर्ट्स हैं इसके अंदर सेम, जैसे कि हम ये देखें। अच्छा व्यूअर्स, ये DVI DP तीनों ऑप्शन ये देख लीजिएगा आप ना, ये DVI लगा हुआ सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर VGA है, फिर उसके ऊपर DP पोर्ट है। जी फैजान भाई ठीक है, आप आपको इसमें आप हर चीज़ में इसको यूज़ में ला सकते हैं आराम से ईजिली। ठीक है जी फैजान भाई, तो ये कितने की मिलेगी हमारे व्यूअर्स को? ये हमारे व्यूअर्स को सिर्फ और सिर्फ 9000 में मिल जाएगी, 9000 रुपये के अंदर रिजनेबल प्राइस के अंदर बहुत अच्छी चीज़ आपको ये में अवेलेबल है। अच्छा व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं 9000 रुपये के अंदर ये आपको LCD मिलेगी, और 24 इंच की LCD है, और ब्रांड आप देख सकते हैं HP का मॉडल है, फ्रेश LCD है बिल्कुल, और यहाँ पर सामने इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ रहा है, अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं, सर्च करके देखना चाहें, एलिट डिस्प्ले E231 ये डिस्प्ले का मॉडल है। जी फैजान भाई, इसके बाद ज़रा चलिएगा आगे। चलें अब हमें आपको दिखाऊंगा ASUS के अंदर बॉर्डर वाला पीस प्लस HDMI, जो इस टाइम पे लोगों की रिक्वायर्ड चल रही है कि HDMI होना चाहिए पीस में, सबके हर किसी की रिक्वायर्ड है कि HDMI होना चाहिए, तो मैं आपको अब दिखाऊंगा HDMI में। अच्छा ब्रांड जो है वो ASUS है, ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप नीचे। जी फैजान भाई बताइएगा इस LCD के बारे में। मेरे पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये ASUS की LED है, लेकिन अदरवाइज इसके अंदर मेरे पास आपको HP, Dell, Lenovo, Acer ऑल ब्रांड मिल जाएंगे HDMI में, भी कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपको सिलेक्टेड दिखा रहा हूँ कि मेरे पास, अभी मैंने आपके पास साइज वाइज आपको चीज़ दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, आप समझ रहे हैं। ये आप पोर्ट्स भी देख सकते हैं व्यूअर्स, इसके पीछे एक ऑडियो जैक का पोर्ट भी है, DP भी है, और DVI भी है, और VGA भी है। जी फैजान भाई और बताइएगा साथ साथ क्या बताना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को LCD की खसूसियात के बारे में। हमारे पास ये HDMI में LED है, इसके अंदर 1080p में, और प्लस ये हमारा बहुत सारे ऑप्शनों के अंदर सिलेक्टेड हो जाती है, जैसे कि हम एंड्रॉयड बॉक्स चलाना चाह रहे हैं, या प्लेस्टेशन चलाना चाह रहे हैं, Xbox चलाना चाह रहे हैं, अदरवाइज जो भी हमारा ये HDMI का नीड है सारे नीड पे हमारा ये एक्यूरेट आ जाती है। अच्छा रेजोल्यूशन एक बार फिर बता दीजिएगा। रेजोल्यूशन 1080 मतलब 1080p के अंदर रेजोल्यूशन है, वही हर्ट्स होते हैं, ASUS के LED ग्राफिक्स जिसके पहले से ही बहुत प्यारे होते हैं ASUS के, तो वैसे ही ओके हमारे अंदर आपको गेमिंग के हवाले से बहुत प्यारा पीस। और कितने इंचेस की? 24 इंचेस में। 24 इंचेस, और प्राइस क्या हो जाएंगे? प्राइस इसके आपको मिल जाएंगे 10,500 में। अच्छा जनाब, तो प्लस इसके अंदर एक और चीज़ भी है, प्लस ये है कि ये हाइड्रोलिक स्टैंड के साथ है, ओके आप मूविंग करना चाहें, आप ये करना चाहें टोटल, आप इसको आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी किसी चीज़ की नीड नहीं होगी, इसको आप हर चीज़ आराम से इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको वर्टिकल शेप के अंदर भी अगर डुअल मॉनिटर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। व्यूअर्स ये देखें, दोबारा से आपको पोर्ट दिखा देते हैं पीछे से, HDMI भी है, DVI भी है, VGA भी है, और इसका मॉनिटरिंग जो जैक होता है, जैसे कि स्पीकर का जैक भी है, ये देख सकते हैं, बहुत प्यारी LCD है। ये पीछे से LED पैनल है ना? LED पैनल है ये। जी फैजान भाई देखें, जैसे 24 इंच में पर ये डेल का पीस अवेलेबल है, ठीक है, डेल के अंदर मॉनिटर है, और अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर नया मॉडल का एडिशन होता है, इसको कहते हैं सिमी बॉर्डर। अच्छा। सिमी बॉर्डर कहलाता है ये, एकदम पतले बॉर्डर के अंदर नॉर्मल पीस। अच्छा एलईडी डिस्प्ले का सीरीज है, ये आपका प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ऑफिस वर्किंग के ऊपर बहुत इस्तेमाल होते हैं ये मॉडल। अच्छा फैजान भाई, इसके पोर्ट्स क्या क्या हैं? इसके अंदर वही पोर्ट्स होते हैं VGA और DP, दो ऑप्शन होते हैं जिसे आप देख सकते हैं ये रहे। अच्छा व्यूअर्स ये देख सकते हैं इसके अंदर VGA और DP का पोर्ट इसके अंदर मौजूद है, ये देख सकते हैं आप सामने, ये देख लीजिए।
जी फैजान भाई। एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो हमारे पास मॉडल है इसके अंदर बिल्ट इन एलईडी के स्पीकर भी लग जाते हैं, आप एक्सटर्नल स्पीकर डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये स्पीकर हैं, ये इसके अंदर नीचे जाके यहाँ पे ये ओरिजिनल अटैच हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ओरिजिनली जो एक जगह बनी हुई है इन स्पीकर के अटैच होने की। जी जी जी। ओके, अच्छा व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप, ये जो स्पीकर्स नीचे लगे हैं ये इसके अंदर ओरिजिनली अटैच होने के लिए यहाँ पर बाकायदा जगह बनी हुई है। और फैजान भाई ने जैसे बताया हमें ये यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। फैजान भाई ज़रा अटैच करके दिखाएगा प्लीज़। ये देखें, ये स्पीकर अटैच हो गए इस तरीके से, स्पीकर के अटैच हो जाते हैं इस एलईडी के नीचे। अच्छा फैजान भाई, इसकी रेजोल्यूशन वगैरह के बारे में बताइएगा। हर्ट्ज रेजोल्यूशन होती है 24 इंचेस की, 1080p रेजोल्यूशन के अंदर ये। अच्छा, और प्राइस फैजान भाई इसके क्या हैं? इसके प्राइस भी आपको मिलेंगे 9500 में, ये एलईडी मिल जाएगी 9500 के अंदर। अच्छा फैजान भाई, काफ़ी देर से मैं आपके पास एक ये वेरायटी देख रहा था, काफ़ी बड़ी एलईडी ये आपके पास रखी हुई है, ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, ये एलईडी मेरे पास 55 इंच में एलईडी अवेलेबल है। अच्छा, 55 इंचेस में ओरिजिनल पैनल के ऊपर। थोड़ा सा कैलकुलेटर थोड़ा सा हटाएगा फैजान भाई, इधर हमारे व्यूअर्स प्रॉपर तरीके से देख लें। ये वैरायटी भी आपको फैजान भाई के पास मिल जाएगी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप। और ये ब्रांड कौन सा है फैजान भाई? NEC का ब्रांड है। इतने बड़े पीस में 1080p आना बहुत मुश्किल होता है, ये ओरिजिनल पैनल के ऊपर है इस वजह से ये 1080p के ऊपर एलईडी है, 1080p। और इसके अलावा इसके अंदर सारे ऑप्शन हैं, अगर आपको कैमरे लगाने हो तो 5 BNC ऑप्शन है, DVI ऑप्शन है, DP ऑप्शन है, VJ है, और भी बहुत सारे HDMI ऑप्शन है, स्पीकर ओरिजिनल स्पीकर, होम थिएटर लगाने के ऑप्शन सब इसमें इंक्लूडेड है, सब पीछे लगे हुए हैं। सब व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी और बहुत बड़ी LED है ये। अभी ये सेटअप नहीं हुई हुई वरना हम आपको इसको भी चला के दिखाते फैजान भाई से। अच्छा फैजान भी, किसी को व्यूअर्स को अगर ये LED पसंद आ रही है तो ये कितने की मिल जाएगी, और ये फ्रेश के अंदर अवेलेबल होगी आपके पास? जी ये फ्रेश के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी ओरिजिनल पैनल के ऊपर 70,000 में। अच्छा, ये 70,000 की व्यूअर्स आपको मिल जाएगी, ये 55 इंचेस की LED है और NEC का ब्रांड है, और पोर्ट्स भी इसके अंदर सारी अवेलेबल मिलेगी टोटल। जी अच्छा, और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं आप व्यूअर्स, एक LED ये भी बाहर रखी हुई है, और ये LEDs भी रखी हुई है फैजान भाई के पास। फैजान भाई ये 32 इंचेस है? जी। अच्छा, ये 32 इंचेस के क्या प्राइस है फैजान भाई? ये 32 इंचेस का ओरिजिनल पैनल के ऊपर LG का ब्रांड है, 2016-17 मैन्युफैक्चरिंग है कि कंप्यूटर की LED है। अच्छा, इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा इसमें ऑप्शन, ये देखिएगा इसमें VJ भी ऑप्शन है, DVI भी। अच्छा, इसमें लाइन गार्ड का भी ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट नेट की केबल लगा सकते हैं, तो नेट डायरेक्ट, और प्लस जैसे नॉर्मल कंप्यूटर LEDs में USB नहीं चलती है। अच्छा, इसके अंदर USB भी चलेगी। अच्छा, इसमें डायरेक्ट प्लग इन प्ले USB है, 2 HDMI ऑप्शन है, HDMI के भी 2 ऑप्शन है, इन एंड आउट दोनों है, दोनों इन वाले ऑप्शन है, ये देखिएगा मैं आपको दिखाऊँ। और स्पीकर के भी सारे ऑप्शन है, इन आउट दोनों चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसके अंदर मॉडल देखिए, मैं आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, सितंबर 2017 की मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर 32 इंच की LED है, LED इसका मॉडल है ये। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सब कुछ लिखा हुआ है, सर्च करना चाहे इंटरनेट पे देख सकते हैं आप। और ये LED फैजान भाई हमारे व्यूअर्स को कितने की मिलेगी? ये हमारे व्यूअर्स को बेसिक ये नॉर्मल जो मार्केट रेट के हवाले से 32,000 रुपये की LED है। ठीक है, लेकिन ये हमारे अयान भाई के लिए, अयान भाई के चैनल के लिए, सब्सक्राइब के लिए, तो ये बहुत रिजनेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगी 27,000 में। 27,000 जी। तो फैजान भाई आप क्या दिखाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को? अब मैं अपने व्यूअर्स को दिखाने वाला हूँ 27 इंच के अंदर बॉर्डरलेस का पीस, 27 इंच बॉर्डरलेस LED। अच्छा, ये कौन सा ब्रांड है फैजान भाई? ये लेनोवो का ब्रांड है, 4 साइड बॉर्डरलेस है। अच्छा, और इसके रिफ्रेश रेट क्या है? रिफ्रेश रेट इसके हर्ट्स होते हैं 60 हर्ट्स होते हैं, अगर आवर क्लॉकिंग में जाते हैं तो 75-85 गेमिंग के हिसाब से क्लॉक कर जाते हैं। अच्छा, और कितना रेजोल्यूशन क्या है इसकी? इसकी रेजोल्यूशन 2K 2560 रेजोल्यूशन पे पीस है, 2560-1440 रेजोल्यूशन है इसकी। अच्छा, है बिल्कुल फ्रेश? बिल्कुल फ्रेश पीस है। और इसके प्राइस क्या पड़ जाएंगे हमारे व्यूअर्स को फैजान भाई? इसके प्राइस हम आपको अपने व्यूअर्स को अच्छे रेटों में दे देंगे 35,000 का। 35,000 बेसिक इसका रेट 40,000 रुपये का है, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए, चैनल के लिए, ये मैं आपको ये डिस्काउंट के साथ 35,000 में दे देख सकते हैं। 40,000 का पीस है इसका,
कंडीशन देख सकते हैं आप, पीछे से विजिट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं ये स्लिम इस कितनी है, ये भी आपके सामने है। ठीक जी, तो फैजान भाई इसके बाद क्या दिखाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को? अब मैं दिखाने वाला हूँ अपने व्यूअर्स को 24 इंच के अंदर वेदरलेस असूस की वैरायटी वेदरलेस में। तो जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे गेमिंग एडिशन का नया मॉडल रखा हुआ है मेरे पास, ग्राफिक एडिशन का असूस का, जिसे आप जैसे कि आप सब जानते हैं गेमिंग के अंदर असूस कितना अप पे चल रहा है। ठीक है, अच्छा फैजान भाई इसके हर्ट्ज वगैरह कितने हैं? इसके हर्ट्ज रेट हैं 60 हर्ट्ज से 75 आवर की लॉकिंग है और 1080p पर है। अच्छा, और इसकी रेजोल्यूशन कितनी है फैजान भाई? 1080p 1080 मतलब 1080p जी, 1080p। ठीक है फैजान भाई, हमारे व्यूअर्स को कितने का पड़ेगा ये? हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा 21,000 रुपये का, फुल फ्रेश पीस है और इसमें लिमिटेड स्टॉक है, इतना स्टॉक अवेलेबल नहीं होता। फैजान भाई ज़रा ऑन भी तो करके दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ ज़रा। जी बिल्कुल, करा के दिखा जी। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं यहाँ फैजान भाई ने LCD ये ऑन कर दी है, तो फैजान भाई अब इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए, इसमें फ्रेश है ये नहीं है, कोई स्पॉट वगैरह दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, कोई है तो नहीं इसके अंदर? अच्छा व्यूअर्स, मैं थोड़ी सी रेजोल्यूशन इसकी हल्की करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर कट नज़र आ जाए। जी फैजान भाई ये देखिए व्यूअर्स, इसके अंदर कहीं से भी कोई स्पॉट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश LED है ये। और फैजान भाई ये LED ही है ना? LED ही है। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए बॉर्डर लेस के अंदर ये LED आपको मिल जाएगी 21,000 रुपये की ASUS के अंदर, 75 वर्ट्स का डिस्प्ले है ये और 24 इंच की ना इसके अंदर। इसकी जो ग्राफिक्स हैं ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर हमारा Ultimate 2, बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें का ऑप्शन दिया हुआ है कि हम ग्राफिक्स के हवाले से इसको सेट कर सकते हैं अपने तरीके से। ओ व्यूअर्स, इसको आप अपनी ग्राफिक्स के हवाले से भी सेट कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके का आप इस पर काम कर रहे हैं, जैसे गेमिंग कर रहे हैं या ग्राफिक्स का कोई काम कर रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, उस हिसाब से आप इसकी कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड है। बहुत सारी LEDs हैं, हर साइज में पा LED है जी, ऑल साइज में पा LED है, सारी अवेलेबल है, कंप्यूटर के हवाले से, गेमिंग के हवाले से, ग्राफिक्स के हवाले से आपको टोटल LED मेरे पास मिल जाएंगी और इंशाल्लाह एक से एक मॉडल भी मिलेंगे आपको। ओके, बहुत रिजनेबल प्राइस रेट में आपको चीज़ मिलेगी एकदम होलसेल रेट पे। ये जैसे हमारे पास 34 स्क्वायर के अंदर LED आई है, मैं आपको दिखाऊँगा क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि देखें आप इसकी रेजोल्यूशन, अपर गेमिंग एडिशन की रेजोल्यूशन है इसकी 3440 रेजोल्यूशन में है, 60 हर्ट्ज का पीस है और इसके अंदर वैरायटियां आपके अंदर इसमें ग्राफिक्स एडिशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेमिंग सब आप कर सकते हैं इसके अंदर। कर्व के अंदर ना अल्ट्रा वाइड LED होती है, अल्ट्रा वाइड के अंदर LED है और आपको मैं दिखाऊँगा कि फुल फ्रेश पीस में वहाँ पर अवेलेबल है, 2017 दिसंबर का मॉडल है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, मॉडल आप देख सकते हैं इसका मॉडल ये लिखा हुआ अल्ट्रा शार्प यू 3417W, आपके लिए मैंने आपको दिखा दिया है कि आप इंशाल्लाह नेट पे भी आपको चेक करना हो, ऑनलाइन चेक करना हो तो आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें दिखा दी, अदरवाइज जी फैजान भाई तो इसके प्राइस क्या मिलेंगे हमारे व्यूअर्स को? ये एकदम रीजनेबल प्राइस के अंदर मिल जाएगी आपको 65,000 की, 65,000 रुपए की हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छे रेट में अवेलेबल है। बाकी आप इंशाल्लाह चेक वेक कर सकते हैं, हर चीज़ आपको एक्यूरेट ओरिजिनल स्टैंड ओरिजिनल पीस आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया फैजान भाई, आपने अपना वक्त दिया हमारे व्यूअर्स को, गाइडेंस दी आपके प्रोडक्ट्स के हवाले से। अच्छा व्यूअर्स, हमने आज तो फैजान भाई की LEDs को कवर किया, लेकिन आप जैसे ये पीछे देख सकते हैं ये फैजान भाई के पीछे ब्लू बॉक्सेस रखे हुए जिस और ऊपर ये कीबोर्ड रखे हैं, फैजान भाई का होलसेल वेराइटी के अंदर स्पीकर्स, कीबोर्ड्स और माउस वगैरह, कॉर्ड्स वगैरह, इन सारी चीज़ों का भी काम है जी। तो फैजान भाई अब आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को अपनी शॉप की लोकेशन गाइड कर दीजिएगा प्लीज़, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा ताकि कोई आपसे कुछ मंगवाना चाहे तो ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में भी बता दीजिएगा प्लीज़। फर्स्ट फ्लोर शॉप नंबर F11 रीगल ट्रेड स्क्वायर, ठीक है, जैनब कंप्यूटर के नाम से शॉप है, ठीक है, जैनब इंटरप्राइजेज भी है, जैनब कंप्यूटर भी है, सही है। और हवाले से आपको नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0336229247।
कॉन्टैक्ट नंबर है, अदरवाइज इसके अलावा भी मैं आपको पूरा कॉन्टैक्ट मेरी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, कार्ड मेरी वीडियो के पास आपको मिल जाएगा, आपको जो भी चीज़ अवेलेबल चाहिए हो मैं सर व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन की जो होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर। डिलीवरी का भी मैं आपको गाइडलाइन दे देंगे, इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी हमारा करने वाला होगा वो भी मैं आपको बहुत अच्छे उसमें करवा दूंगा, आपके लिए फेवर के लिए हम खड़े भी होंगे। थैंक यू सो मच। जैसे हमारे पास ऑल साइज अवेलेबल हैं, इसके अंदर आपको 17 भी मिल जाएगा, 19 भी मिल जाएगा, 20 भी मिल जाएगा, 22, 24, 27, अदरवाइज 32 तक, 55 तक मिल जाएगा। अच्छा, 17 इंच से अपने प्राइजेस के हवाले से बताइए। 17 इंच के मेरे प्राइजेस के हवाले से 4000 रुपये से शुरू हुए स्टार्टिंग प्राइस फ्रेश एलईडियों से, अदरवाइज अगर इससे नीचे जाते हैं तो फिर वो थोड़ी फॉल्टी जैसे लाइन वाइन में तो उसमें नीचे में मिल जाती है, लेकिन अदरवाइज फ्रेश के हवाले से 4000 में, 4000 से हमारे स्टार्टिंग प्राइस हैं। अच्छा, 17 इंच का आप कह रहे हैं 4000 रुपये जी, और 18 इंचेस, 19 इंचेस अवेलेबल में आती है, 18 इंचेस नहीं आती। 19 इंच मिल जाएगी आपको 48000 की, 4800 की, सॉरी 4800 की। 20 इंचेस, 20 इंचेस मिल जाएगी आपको 5500 रुपये की। ठीक है, जो 20 इंचेस से ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो वो 22 इंचेस आ जाएगी, जैसे मैंने आपको अभी वीडियोज में मैंने अपनी दिखाया आपको 6500 रुपये की LEDs भी है, 7000 की भी है, 8000 की भी है, हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको भी सारी वीडियो। ठीक है फैजान भाई, बहुत शुक्रिया फैजान भाई। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह की वैरायटी हम आपके लिए मजीद लेकर आते रहेंगे, और फैजान भाई की इन फ्यूचर नई आने वाली वैरायटी भी हम आपके पास ज़रूर लेकर आते रहेंगे। अब तक मौजूद हैं तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके शेयर करके हमारी मोटिवेशन बनिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दे दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।